और ये क्या कह रहे हैं, हम मिड डे मील योजना लागू कर रहे हैं कि हमारे बच्चे का दिमाग किताब में नहीं प्लेट में रहना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था शिक्षित बनो, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। इन्होंने सोचा मनुवादियों ने कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान तो लागू कर दिया है, लेकिन हम इनका सबसे पहला नारा बाबा साहब का जो शिक्षित बनने वाला है उसी को खत्म कर देते हैं। क्योंकि सरकारी स्कूलों में अगर मास्टर है तो बिल्डिंग नहीं, बिल्डिंग है तो मास्टर नहीं, मास्टर बिल्डिंग है फिर किताब नहीं, कुछ भी नहीं, वहां पर कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हमारी गवर्नमेंट आएगी, हम एक पॉलिसी लेकर आएंगे कि जो भी मुख्यमंत्री है, जो भी देश का मुख्यमंत्री बनेगा, मंत्री बनेंगे, जितने भी एसएमएसपी हो, जेएसडीएम, तहसीलदार, डीसीएसपी, मास्टर, डॉक्टर, जितने भी सरकारी कर्मचारी होंगे सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। जब डीसी का बेटा, जब चपरासी का बेटा, डीसी का बेटा एक ही कमरे में बैठ के पढ़ेगा, कमरे भी बढ़िया बढ़ जाएंगे, एसी बड़े कमरे बढ़ जाएंगे, बढ़िया बड़े कॉन्वेंट स्कूल बन जाएंगे, बढ़िया बड़े मास्टर आ जाएंगे। इनकी नीति ठीक नहीं है, हमने कुछ नहीं करना है, हमने केवल अपनी नीति को ठीक करना है, नीति को बदलना है, हमने सारे शिक्षा के महकमे को सरकारी करना है। बढ़िया बिल्डिंग, बढ़िया एसी बिल्डिंग, कॉन्वेंट स्कूल के अंदर जैसे बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाई जाती है पहली क्लास से, सारे सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी, कॉन्वेंट स्कूल, बड़ी एजुकेशन सरकारी स्कूलों में लागू करने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी, ताकि हमारे बच्चे कमजोर ना रहे। इस देश में पढ़ाई मुफ्त, आज हमारे लोग, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो गया, किसी को हार्ट अटैक हो गया, डॉक्टर के पास जाते हैं कितने लाख रुपए लगेंगे, इसका वाल बदला जाएगा, 2 लाख लेकर आओ वाल बदला जाएगा। गरीब के पास पैसे नहीं है, गरीब आदमी बिना इलाज के मर जाता है। इसलिए अगर हमारी गवर्नमेंट आती है, दवाई और पढ़ाई दोनों मुफ्त होगा, चाहे 5 लाख लगे, चाहे 10 लाख लगे, चाहे 1 करोड़ रुपए लगे, लेकिन किसी को मरने नहीं दिया जाएगा, दवाई की वजह से किसी को मरने नहीं दिया जाएगा।